हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अटैचमेंट एंड आर्टिकुलेशन ऑफ द रेडियस बोन। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकुलेशन ऑफ द रेडियस बोन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो अपर एंड होता है बेसिकली उसमें क्या क्या इसका आर्टिकुलेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए ये जो इसकी जो सुपीरियर सरफेस होती है कॉनकेव होती है, ठीक। अब ये जो सरफेस होती है बेसिकली ये अटैच होती है कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस से और क्या बनाती है, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। ओके फ्रेंड्स, सो बेसिकली ये वाला इसका आर्टिकुलेशन हो गया। आप देख लेते हैं इसकी ये जो मार्जिन है, मीन्स ये जो सर्कमफेरेंशियल पार्ट है, ये भी आर्टिकुलेट होता है अल्ना से, मीन्स अल्ना के अंदर जो रेडियल नोच होती है बेसिकली उससे इस तरीके से आर्टिकुलेट होता है। और इसकी जो नेक है उसके ऊपर से एक लिगामेंट जाता है जिसको हम कहते हैं एनुलर लिगामेंट। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो इस जॉइंट को बेसिकली, और ये वाला जॉइंट बनाता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके फ्रेंड्स, सो अपर पर इसका अपर एंड में केवल इतना ही इसका आर्टिकुलेशन होता है, ठीक। अब देख लेते हैं लोअर एंड। सो लोअर एंड में बेसिकली आप देख रहे हो कि ये जो सरफेस होती है बेसिकली इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है इसके अंदर ट्रायंगुलर पार्ट, ये वाला जो है, यहाँ पर जो होता है स्केफोइड अटैच होती है, और जो यहाँ पर होती है हमारी ल्यूनेट, ये जो क्वाड्रेंगुलर एरिया है यहाँ पर ल्यूनेट बोन से ये आर्टिकुलेट होती है। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसकी जो मीडियल साइड होती है वहाँ पर होती है इसमें अल्नर नोच। ओके फ्रेंड्स, इस अल्नर नोच में क्या होता है, इसकी जो इन्फीरियर मार्जिन है, ये वाली जो मार्जिन है इसकी इन्फीरियर मार्जिन जो होती है यहाँ पर क्या होता है बेसिकली आर्टिकुलर डिस्क अटैच होती है। ओके, वो आर्टिकुलर डिस्क क्या करती है, इसको सेपरेट करती है रिस्ट जॉइंट से और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट से। ओके फ्रेंड्स, सो बेसिकली जो एंड होता है इसका अल्ना का वो इससे अटैच होता है, ठीक। यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट बनता है ये, और आर्टिकुलर डिस्क जो होती है वो इन दोनों के बीच में यहाँ पर होती है। ओके फ्रेंड्स, सो ये तो हो गया आर्टिकुलेशन, अब देख लेते हैं अटैचमेंट। ओके, सो अटैचमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी रेडियल ट्यूब्रोसिटी होती है, सो ये होती है हमारी रेडियल ट्यूब्रोसिटी। सो रेडियल ट्यूब्रोसिटी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर वाला स्मूथ होता है, पोस्टीरियर वाला रफ होता है। तो एंटीरियर स्मूथ पार्ट जो होता है कवर्ड होता है बर्सा से, और जबकि जो पोस्टीरियर रफ पार्ट होता है वहाँ पर बाइसेप्स ब्रैकियाई का इंसर्शन होता है। ओके फ्रेंड्स, अब बेसिकली अब हम देख लेते हैं एंटीरियर बॉर्डर पर क्या होता है इसका अटैचमेंट। सो एंटीरियर बॉर्डर जो होता है इसमें बेसिकली इसका जो अपर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, और उस एंटीरियर ऑब्लिक लाइन पर क्या होता है, ओरिजिन होता है रेडियल हेड ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफेशियलिस मसल का। ओके फ्रेंड्स, जिसको हम शॉर्ट में FDS भी कहते हैं, यहाँ से उसका ओरिजिन होता है। अब बात करते हैं एंटीरियर सरफेस की। जो एंटीरियर सरफेस में अपर टू थर्ड वाला जो पार्ट होता है बेसिकली, उस अपर टू थर्ड वाले पार्ट में ओरिजिन होता है फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस का। ओके फ्रेंड्स, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पर इंसर्शन होता है प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल का। ओके, सो अब देख लेते हैं लैटरल सरफेस। जो लैटरल सरफेस होती है बेसिकली इसमें थ्री मसल्स अटैच होती हैं, ठीक। यहाँ पर एक यहाँ पर होती है, एक मिडिल में होती है, और एक सबसे लोएस्ट पार्ट में होती है। ओके फ्रेंड्स, लैटरल सरफेस में तो जो सबसे ऊपर होती है वो होती है हमारी सुपीनेटर, उसका इंसर्शन होता है यहाँ पर, और बीच में जो होती है हमारी प्रोनेटर टेरिस होती है, और सबसे लास्ट में जो होती है वो होती है हमारी प्रोनेटर ब्रैकियो रेडियलिस। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरीके से हमने लैटरल सरफेस को भी कवर कर लिया, एंटीरियर सरफेस को भी कवर कर लिया, एंटीरियर बॉर्डर को कवर कर लिया, ठीक। अब देख लेते हैं हम पोस्टीरियर सरफेस। सो बेसिकली जो पोस्टीरियर सरफेस होती है उसमें क्या होता है कि उसके दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। सो इन दोनों पार्ट से ही दो मसल का ओरिजिन होता है, ठीक। जो अपर पार्ट होता है बेसिकली उससे ओरिजिन होता है एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस का, ठीक, और जो लोअर वाला पार्ट होता है वहाँ से ओरिजिन होता है एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस का। ओके फ्रेंड्स, अब एक लास्ट स्पेसिफिक पॉइंट ये होता है इसमें, जो रेडियल ट्यूब्रोसिटी है इसके ऊपर से क्या होता है कि जो क्वाड्रेट लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, ठीक, और उसके नीचे से जो होता है वो ओब्लिक कॉर्ड का अटैचमेंट होता है। सो इस तरीके से हमारा जो है इसके अंदर अटैचमेंट वगैरह कंप्लीट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।